जिस तरह से दिल्ली रोकने के लिए दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि शायद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में एक बार फिर एंट्री नहीं देना चाह रही है। हालांकि एक लाइन को छोड़ा गया है कि चल सके, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरह की व्यवस्था सर्विस रोड पर की गई थी नीचे, उसी तरह की व्यवस्था फ्लाईओवर के ऊपर कर दी गई है। एक लाइन चालू छोड़ी गई, लेकिन कंटेनर जो रखे गए हैं उनमें मिट्टी डालने की जब तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है, और मिट्टी अगर इसमें डाली जाती है तो ये उठाने लगभग किसानों के लिए परेशानी बन सकते हैं। और दिल्ली पुलिस का यही मानना है किसानों को यही पर रोका जाए। इससे पहले भी किसानों को दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही रोका गया था। किसानों ने आह्वान कर दिया है कि वो दिल्ली जरूर जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने भी ये ठान लिया है कि दिल्ली पुलिस को दिल्ली में एक बार फिर किसानों को नहीं घुसने दिया जाएगा, जिसके लिए तैयारी दिल्ली पुलिस युद्ध स्तर पर कर रही है। कंटेनरों की एक लंबी लाइन फ्लाईओवर के ऊपर है, और जो तैयारी है वो ये है कि सभी के सभी में मिट्टी डाली जाएगी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती है, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जो स्पीकर है वो लगाए गए हैं, और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, आला अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के हैं उनकी जो दौरा वो लगातार जारी है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, और जो जहां पर जो तैयारियां चल रही हैं वहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुंडली सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, और लगातार जो निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार क्या किया जा सकता है और क्या किसानों को रोकने के लिए नई टेक्निक अपनाई जा सकती है। किसान लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का दौरा जारी है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है कि किसानों को सिंघू बॉर्डर पर एंट्री ना दी जाए, जिसके लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी अभी भी निरीक्षण कर रहे हैं और अभी भी दौरा जारी है। देखना होगा यही कि एक बार फिर क्या दिल्ली पुलिस किसानों को इसी बॉर्डर पर रोक देगी, और क्या किसान एक बार फिर लंबे समय के लिए इसी सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे। सोनीपत सिंघू बॉर्डर से नितिन आंतिल, न्यूज 18।